भंडारा चल रहा है भैया। तो इधर ये पकौड़े तल रहे हैं जो कड़ी में डलेगी, ये होपफुली आज ठीक हो गई। छेदनी मतलब डिजाइन है इसका ऐसे ही, और ये फाड़ रहा था इसे उसको देख लो, इतने खतरनाक दोस्त है मेरे, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखते हैं। पुली पैक कर दियो, पैक नहीं करनी मतलब खानी है। इसके अलावा गाइस अभी करते हैं सबसे पहले नाश्ता, क्योंकि काफी लग रही है भूख मुझे, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है मेरा, मम्मी ने रखा हुआ है बेडरूम के अंदर, और मम्मी वगैरह भी बातें कर रही है। और सो रहे यहाँ पे, नंगा पड़ा है, इसे नहीं दिखाते, ये तो नंगा है, कम्युनिटी गाइडलाइन इशू आ सकता है। तो अभी जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर करेंगे अपना थोड़ा ऑफिस वर्क, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले फिर देखेंगे जो भी होगा। बाहर तक घूम के आते हैं जरा, और बहुत तेज धूप है इस टाइम पे। तो आज एज पर टुडेज वेदर रिपोर्ट आज का जो टेम्परेचर है वो अराउंड 42 है, एंड इट्स फील्स लाइक अराउंड 48। तो बहुत गर्मी है, मतलब फील ज़्यादा हो रही है। आज जो है लग रहा है भंडारा लगा हुआ है यहाँ पे, देखते हैं चलते हैं, भंडारा चल रहा है भैया, काफी भीड़ है भाई, भंडारा है और बाहर भी भंडारा चल रहा है। अभी लेंगे भाई, अभी लेंगे, दो एक सेकंड लेते हैं। और ये भाई है यहाँ पे बहुत टेस्टी लगे मेरे को पीने में। तो इधर ये पकौड़िया तल रहे हैं जो कड़ी में डलेगी, ये पहले से तैयार है, और उधर जो है कड़ी का काम रखा हुआ है, और उधर ठंडाई तैयार हो रही है, चावल उधर है। यार ये बुरा काम हो रहा है कि सब जो है थाली वगैरह, जो प्लेट वगैरह है प्लास्टिक वगैरह की, रोड पे फेंक रहे हैं। अभी जस्ट मैं जो है भंडारे में से आया था और उन भैया से मिल के आया था जिन्होंने भंडारा ऑर्गेनाइज कराया है, और काफी अच्छा लगा कि यहाँ के लोग जो है थोड़ा लोगों के बारे में सोच रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, और अभी भी खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो काफी अच्छा लगा देख के, और वो भाई बोल रहे थे कि थोड़ा प्रसाद ले लो कड़ी चावल का, तो मैंने बोला कि भाई मैं अभी ब्रेकफास्ट लेके आया था थोड़ी देर पहले, और जो है ठंडाई पी लेता हूँ, और काफी अच्छी ठंडाई बनाई हुई थी। फिलहाल मुझे एक बार जो है थोड़ी बुरी लगी थी कि जो रैपर्स वगैरह हैं खाने के बाद लोग रोड पे फेंक दे रहे हैं, तो बच्चे में रैपर ही रैपर हो गए, तो मैंने उन्हें बोला कि डस्टबिन वगैरह एक दो और रखवा दो ताकि लोगों इधर उधर ना फेंके, और रोड पे गंदगी हो रही है बहुत ज्यादा। देखो कितनी भीड़ आई हुई है, पूरे रोड पे जाम लग गया भंडारे की वजह से। अभी मैं घर पे आ गया, ऑफिस से कॉल आई थी, कुछ अर्जेंट काम है तो वो निपटाते हैं पहले। तो आज लगभग एक महीने बाद जो है डाइवा वाले आ गए घर पे फाइनली, और वो भी ठीक कर रहे हैं, ये चल रही है प्रोसेस। सॉफ्टवेयर डल गए, चलो सॉफ्टवेयर तो डल गए फाइनली, तो अब देखते हैं टीवी चल रहा है नहीं चल रहा, होपफुली आज ठीक हो गई। यूट्यूब चला के देखो सही चल रहा नहीं चल रहा सबसे पहले। तो भाई कहाँ से है, बड़ौद से ही हो आप? तो यार इतना टाइम क्यों लगा दिया यार? सॉफ्टवेयर कंपनी से आया था। चलो जो है इसका डिफॉल्ट जो यूट्यूब था वो नहीं चल रहा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका बोर्ड पुराना हो चुका है, क्योंकि 2 साल पुरानी हो गई है ये जो LED है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फिर चलाते हैं। चलो अब होगा यूट्यूब इंस्टॉल, यूट्यूब के बिना तो काम ही नहीं चलने का। स्पीड तो झटको मारी होगी, 4 MBPS टीवी का फर्क है ना, 4G वाली फाइनली इंस्टॉल्ड। सबसे ऊपर मेरी वीडियो मिलेगी, देख खुलते देख, सबसे ऊपर देख मेरी वाली वीडियो है। क्या कहा था, 4K में चला, Ultra HD फुल स्क्रीन कर, ये देखो भाई साहब वो कुछ भी क्लियरिटी बड़ी जबरदस्त है, ये ऐसा लग भी नहीं रहा होगा LED में चल रहा है। शुक्र है LED ठीक हो गई, अब ऊपर वाली ऊपर पहुंचा देंगे और नीचे वाली बेडरूम में लगा देंगे, काम खत्म। सोरे गेट बंद करो, गेट बंद करो, बाय। चलो थोड़ा काम कर लेते हैं अब ऑफिस का, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते। लैंडिंग कर रहा है इसकी, है वे कुर्सी पे घुमाओगे इसे, फाड़ दिए गए इसकी प्लास्टिक प्लास्टिक सारी, तोड़ दिया इसे भी, नीचे उतार इसे, नीचे उतारो स्टंट मैन, मानी जा। कहाँ बैठ गया तू चढ़ के, क्या
मुझे काम करने दे भाई, पैंट उतार दो तेरी, उतार दो तेरी पैंट, उतार दो तेरी पैंट, उतार दो क्या? अच्छा नई पैंट पहन रहा तू, मैं सोच रहा था क्या ही सारे कर रहा, नोनी नोनी पैंट पहन रहा। टाइम हो गया है अभी 3:30 और सूर्य चढ़ के बैठ गया मेरी मेज के ऊपर और काम नहीं करने दे रहा। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ जिम में और आपसे वापस आके घर पे मिलता हूँ, ठीक है? सो गाइस जिम से तो आ गए हैं, मौसम काफी ठीक हो गया, गर्मी तो है लेकिन मौसम ठीक है। सूर्य भी आ गया मुझे देखते देखते पीछे पीछे, ये रहा बंदरू, ए बंदरू, ए बंदरू, ए बंदरू, ए तू बंदरू, एक नंबर का बंदरू है तू, जिम में खालता है। अंदर चला जा, गर्मी हो रही बाहर बहुत, चलो अंदर चल, चल चल अंदर, अंदर बैठिए तू, चल भाग जा, चला जा। तो क्या कर रहा, हर जगह पानी पानी करेगा, चलो अंदर, पैंट फटेगा। अगर तूने मेरी पैंट का हाथ लगाया ना, अब ये क्या कर रहा था, मेरी पैंट यहाँ पे छेद हो रहा है। क्या बोला तूने? छेद नहीं मतलब डिजाइन है इसका ऐसा ही, अरे फाट रहा था इसे, तो तू बच गई, तो थोड़ी सी चीर भी दी इसने, नीचे तक खींच दी, हरामी ये फिर आ गया। अच्छा पिटेगा? एक बात तो है वैसे, जब भी मैं व्लॉग शूट नहीं करता जिम के अंदर, एक्सरसाइज बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं जल्दबाजी में रहता हूँ कि भाई वीडियो बना दे मेरी, किसी से बोलता हूँ भाई इस बार पार्ट की वीडियो बना दे, तो यार इस चक्कर में जो है ना टाइम आधा खराब हो जाता है मेरा और मैं अच्छे से जिम नहीं कर पाता। तो जैसे आज गया था मैंने कोई शूट नहीं किया, तो भाई साहब इतनी मस्त मैंने 9 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज ली और बहुत मस्त तरीके से ली। तो मैं यही सोच रहा था कि जिस दिन भी मैं व्लॉग शूट करूँगा जिम का, तो बिल्कुल एक सेपरेट व्लॉग रखूँगा और प्रॉपर तरीके से शूट करूँगा, तो काफ़ी सही रहता है वो। दो दिन पहले से खोज के लेके गए थे, कौन लेके गया था खोज के? वे दो मोटरसाइकिल पाए थे जाट कॉलेज के पास, मुझे पता चला था कि इसका छोटा भाई था, तो इसे घुमा के लेने जा रहे थे और क्या हुआ कि दो मोटरसाइकिल पाए बंदे और खोज के लेके चले गए भाई साहब, मुझे पता चला। फिर वहाँ पे कैमरा सीसीटीवी वगैरह चेक कर आई थी, तो मैं बताना भूल गया था, तो आज बता रहा हूँ। तो फाइनली ये मिल गया, कहाँ से मिला था ये मजदूरों वाली गली से? पुलिस वगैरह रिपोर्ट भी हुई थी, पुलिस वाले भी आए थे, तो पुलिस वाले भी आए थे और फाइनली ये मिल तो गया, तो मैं तो काफी खुश हूँ। चलो मिल गया, कल रात मिला था? कल रात ही मिला था भाई साहब, तो अच्छी बात है कि बच की जान नहीं, तो इतना प्यारा क्यूट सा पिल्ला था और चोरी करके ले जाते, उनका क्या हुआ लड़कों का जो हुए थे? छोड़ दिए थे पुलिस वाले, लेके नहीं गए उन्हें, पकड़ा नहीं पुलिस वाले ने, तो चलो ठीक है अच्छी बात है, पिल्ला आ गया ये बड़ी बात है। ये देखो भाई साहब क्या जबरदस्त मौसम हो गया, वाइड एंगल व्यू में दिखाता हूँ आपको अभी। कमाल ही कर दिया आज तो मौसम ने, इतना बढ़िया मौसम में देखा मैंने एक महीने के अंदर। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि बिल्कुल से मिलने चलता हूँ, तो आज जा रहा हूँ फाइनली, क्योंकि उसकी कुछ पढ़ाई वढ़ाई का कॉम्पिटिशन की तैयारी चल रही है, तो उससे मिलना छिलना कम हो रहा है अभी, तो अभी चलते हैं और उससे मिल के आते हैं। तो अभी यहाँ पे सौरभ झूल रहा है बैठ के झूले पे और मैं चाबी ले लेता हूँ, मम्मी अपनी काम में लगी हुई है, चाबी पे ये रही। अब क्या कर रहा, रुक तू तो फुल फॉर्म में था। तो भाई साहब अभी जो है परसों मेरे साथ क्या हुआ, मैं बाजार में घूम रहा था और देखा कि वहाँ पे एक बिजार खड़ा हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने बोल दिया कि गाय खड़ी है गऊ माता ऐसे करके। तो भाई साहब मेरा एक दोस्त है ये जिससे मिलने जा रहा हूँ अभी, तो मुझे कमेंट में बोलता है कि भाई ये बिजार बिजार है गाय नहीं है, गलत फहमी मत रही हो। तो देख लो इतने खतरनाक दोस्त है मेरे, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखते हैं कि कहाँ गलत बोल रहा है कहाँ सही बोल रहा है। ये तो घर पे आई थी कल भैया, बच के भाई रुक जा रुक जा, मारेगा यार, बच गए जान बच गई यार, सेल्फी स्टिक गिर गई, स्क्रैच वगैरह आ गई काफी, बाइक उतर के चले गई इस पे से, चलो कोई ना। ये रही गौशाला, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है और काफी सारे गाय वगैरह बिजार वगैरह सब यहीं उनका पालन होता है। फुली पैक कर दियो, पैक नहीं करनी मतलब खानी है। हाँ खानी है, अबे दिमाग से निकल गया। तो हम अभी जो है चाउमीन खाने आए थे, काफी भूख लग रही थी सोचा चाउमीन ही खा ले, दे मुझे भी दे यार। तो अभी जो है काफी तेज बारिश आ रही थी और मौसम भी काफी खराब है अभी भी, लेकिन ठीक है बारिश नहीं आ रही, तो अभी जल्दी से घर पे चलते हैं। और बहुत तेज तूफान था सच में, मैं शूट नहीं कर पाया कुछ, अंधेरा इतना ज्यादा था। लाइट भागने के बाद भी टीवी देखता है,
साले हमें घर में मारेगा, हमें घर में मारेगा। पता कितने जल्दी आई थी अभी, मैं तुझे काट दूंगा, मैं तुझे टूटी बड़ी दूंगा। गुब्बारा भरेंगे मुझे बता, मुझे सिखा रहा। फिलहाल गाइस 2:07 हो चुके हैं और अभी तक जो है एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई और आंखों में मेरी बुरी तरीके से नींद भर चुकी है इस टाइम। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है सच में और बहुत थक गया हूँ मैं। और अभी तक तो मतलब अभी तो अपलोड भी करनी है, मतलब पूरा ही काम बाकी है ऑलमोस्ट। तो एनीवेज आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो एंड करता हूँ मैं ब्लॉग को, तो लाइक करना एंड कमेंट करना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। बहुत मस्त मस्त वीडियोज़ हो रही हैं इस टाइम में, तो मुझे भी इसमें बहुत मज़ा आ रहा है ब्लॉग शूट करने में और यूट्यूब पर डालने में। तो गाइज मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye.